सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कच्छ की जाए तो गांधीधाम से 100 किलोमीटर दूर है। की जागीर दी गई और वो वही हैंडल करते थे ये सब जागीर। तकरीबन 1500 के आसपास जब जागीर में इसका काम ऑलमोस्ट हुआ और उस जो भी मॉडिफिकेशन जैसे जैसे अलग अलग राजा आते गए थे कि कितनी बड़ी जागीर रही होगी और कितना भव्य महल और देखने के लिए यहाँ पे तालाब भी है बट बहुत हुआ तकरीबन 6 रूम है आई गेस। तो गाइस आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं पता नहीं, ये पूरा हवा इतनी सारी है कि शायद माइक की आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो अभी मैं हूँ रोहा फोर्ट की जेल के ऊपर जो सबसे ऊंचाई पर है और यहाँ से व्यू आपको दिखाता हूँ। खूबसूरत नीचे आप देख सकते हो अगर, तो वो रोहा गांव है। रोहा गांव के ऊपर से रोहा फोर्ट का नाम पड़ा है। और हम और आगे जा रहे हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। ये मेरे ख्याल से दीवार है, पहचान में नहीं आ रहा अभी कि क्या है ये, बट अभी भी खड़ा हुआ है। तकरीबन 500 साल हो गए, 1500 के आसपास और 1700 के आसपास, 500 पता नहीं अभी 1700 से ये खड़ा हुआ है ये फोर्ट। इतना बड़ा 1600 एकड़ में ये फोर्ट मुझे लगता है ये पूरा है सब जहाँ तक मुझे पता है। सुसी ये देखिए, वाह वंडरफुल। ये जरूर के आप देख रहे हैं ये बड़े यूनिक है, वो टाइम में भी ऐसे बनाया करते थे राजा रानियों को खड़ा रहने के लिए यहाँ पे। वाओ सी ये पूरी जगह है, आज देख के बड़ा अच्छा लग रहा है बट बुरा भी लग रहा है कि इतनी अच्छी जगह और कोई हम लोग ने मेंटेनेंस नहीं किया। अगर कुछ मेंटेन किया होता तो और ये और भी खूबसूरत लगता हम लोग को। आज तो ये पूरा खंडेर बन चुका है यहाँ पे। जैसे आपको बताया मैंने, राजा नौगण ने बनाया हुआ है ये फोर्ट, 1700 के आसपास बना हुआ है पूरा फोर्ट और फिर धीरे धीरे उसको आगे लेके गए और बड़ा बनाते गए ये फोर्ट को, जो है अपनी कच्छ की सबसे बड़ी जागीर और आज कुछ इस हालत में है। और हम ऊपर भी जाएंगे, लेट्स गो। पता नहीं क्या हुआ करता था यहाँ पे, आप देख सकते हो नहीं हेरिटेज। ये तो देखो पूरा खंडेर बन चुका है ये।
सामने रोहा गांव है, वहां पे जारजोक है, पास में कोटड़ा गांव भी है। वो टाइम पे ये क्या खूबसूरत हुआ करता होगा। ये देखो, मुझे लग रहा है ये कुछ सैनिकों के लिए रखा होगा शायद, ये ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट कुछ ऐसा दिख रहा है। सो गाइस, आपने देखा ये फोर्ट की हालत, बट ये फोर्ट एक समय का, एक टाइम का रॉयल प्लेस हुआ करता था। और इसकी अब डिज़ाइन अभी भी देख के ऐसा लगता है रियली में रॉयल प्लेस था, बट आजकल यहाँ पे बसता है एकांत, शांति और कुछ नहीं। कोई हम इतने टाइम से हैं यहाँ पे, कोई एक आदमी भी हम लोग को नहीं दिखा यहाँ पे। तो इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ही बनाई गई है, जो यहाँ पे हम लोग ने मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये पूरा जेल है, यहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। पीछे इस साइड आप पीछे देखे तो जरोके हम लोग ने जो देखे थोड़ी देर पहले, वो राजा रहते होंगे, और उसके पहले जो देखे वो पीछे गांव के लोग रहते होंगे, क्योंकि ये 52 गांवों से बना हुआ था, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा जिस हिसाब से मुझे लगता है। और ये राजा का महल मुझे लग रहा है होगा, आपको लेके चलता हूँ। सी, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाई हुई है भाई साहब, ऐसी डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगी कहीं देखने के लिए आज के। अरे आर्किटेक्ट भी ऐसे नहीं बना सकते। हाँ वाह, वंडरफुल, देखिए ये आपको अंदर लेके चलता हूँ मैं। हाँ ना ना, यहाँ पे शायद गांव के लोग रहते होंगे। सो गाइस, अब हम बहुत ही थक चुके हैं, आज तो पूरा ट्रैकिंग हो गया। तो आज हम लोग ने देखा रोहा फोर्ट, जो बहुत ही ज्यादा हेरिटेज और वन ऑफ द रॉयल प्लेसेस ऑफ द कच्छ। तो अब हम जा रहे हैं वापस। होप यू लाइक दिस प्लेस। जो अब अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिक्योर राइडर। थैंक यू।